क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। यानी कि ये एक आर्मी का ग्रुप है जिसमें 616 मेंबर हैं और आगे वाली लाइन में 32 मेंबर लगेंगे और ऐसे ऐसे दो ग्रुप यानी कि द टू ग्रुप आर टू बी मार्च्ड इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि दो ग्रुप होंगे और उसमें बराबर बराबर कॉलम बनाए जाएंगे जिसमें पहली वाली लाइन में 32 मेंबर्स होंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, सबसे ज्यादा नंबर कॉलम में क्या हो सकता है, ठीक है, जिसमें वो लोग मार्च करेंगे। यानी कि आपको नंबर ऑफ कॉलम बताना है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैक्सिमम पूछ रहा है और मैक्सिमम के केस में हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। इसलिए सॉल्यूशन में जब हम आएंगे तो सबसे पहला काम होगा कि जो इसमें हम निकालेंगे नंबर ऑफ कॉलम, उसको निकालने के लिए हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। किसका किसका, एक जो टोटल मेंबर्स हैं उस ग्रुप में यानी कि 616 और दूसरा जो पहली वाली रो में जितने मेंबर्स होंगे यानी कि 32 मेंबर्स होंगे। ठीक, इसलिए सॉल्यूशन में आ जाएगा कि एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। यानी कि आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना आप जान गए होंगे, अगर आप पहले की वीडियो देखे हैं तो जान गए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियो जाकर के देख सकते हैं। वैसे शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के ही आधार पे आपको निकालना है, पुराने क्लासों के आधार पे आपको नहीं निकालना है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम शॉर्टली सॉल्व करा दे रहे हैं कि देखिए 616 को जब आप डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8 जब आप डिवाइड करेंगे तो ये ए हो जाएगा, ये बी, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, फिर ऐसे ही 32 नीचे आ जाएगा, फिर 32 विल बी इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। ठीक, यानी ये बी, ये क्यू और ये आर, जिस इक्वेशन में आर की वैल्यू 0 होती है उसका बी आंसर होता है, यानी बी कौन सा है, 8 है। तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो 8 है, इसलिए एच सी एफ ऑफ 616 एंड 32 विल बी 8। यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे वो केवल 8 कॉलम होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।